नमस्कार दोस्तों, उम्मीद ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें लंबे समय से सांस की बीमारी है या फिर धुएं के कारण उनकी सांस की बीमारी बढ़ जाती है, यानी कि धुआं एक ट्रिगर का काम करता है सांस के मरीजों के लिए। तो जैसे कि दिवाली आ रही है, दिवाली में पटाखे भी रहेंगे, धुएं का उत्पादन भी होगा, तो खास करके जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं जिन्हें अस्थमा या सीओपीडी की बीमारी है, प्लीज दिवाली के अंदर आप मास्क लगा के रहिएगा, धुएं से सावधान रहिएगा और भाप लगातार लीजिएगा, साथ में गार्गल्स कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो धुआं होता है उसके अंदर दो पार्टिकल मैटर ज्यादा कॉमन है, एक तो 2.5 और PM10। ये पार्टिकुलेट मैटर क्या करते हैं, हमारी लंग्स को डीपली इफेक्ट करते हैं, उसके कारण ये ट्रिगर का काम करते हैं और सांस में दिक्कत पैदा करते हैं। इसके लिए आप एयर प्योरीफायर का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप अपने घर में लगा सकते हैं या कार में ट्रेवल करते हुए, साथ में मास्क जो कि एक सर्जिकल मास्क हो सकता है या N95 के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आजकल गूगल पे या हर जगह रूट्स पे लिखा रहता है कि आपके शहर का AQI इंडेक्स क्या है। अगर वो 50 से 100 तक की लेवल में रहता है तो आप आराम से कंफर्टेबली निकल सकते हैं। दिल्ली नोएडा साइड यूजली जो AQI इंडेक्स है कई बार 300 400 500 रहता है, उस टाइम आप कोशिश करिएगा कि आप घर पे ही रहिएगा, निकलना है तो मास्क लगा के निकलिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप कनिष्क के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं।